हेलो फ्रेंड्स, एस के रसोई के नए वीडियो में स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू और सोजन का सब्जी। तो फ्रेंड्स, ये सोजन हमने ले लिया और इसे हमने कट करके छील लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। सोजन को कट करके छीलने के बाद इसमें पानी हमेशा डाल देना चाहिए, वरना ये सूख जाएंगे और सब्जी उतना टेस्टी नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, अब हमेशा इसमें पानी डाल के रखें सोजन को कट करने के बाद। अब हम ले लेंगे आलू। तो ये हमने आलू ले लिया है, एक साइज में हमने सभी आलू को कट किया है, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला। इसे हमने कट करके अच्छी तरह से धो लिया है फ्रेंड्स। अब हम लेंगे एक मिक्सर जार। तो ये हमने मिक्सर जार ले लिया है और इसमें हम डालेंगे लहसुन। एक पोट लहसुन हमने इसमें डाला है और 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें सरसों। तो हमने पीले वाले सरसों का यूज़ किया है, आप चाहें तो काली वाली सरसों का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने डाल दिया 1 चम्मच जीरा और इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद हमने गैस ऑन कर दिया है और कढ़ाई चढ़ा दिया। और कढ़ाई में हम डाल देंगे तेल और इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच मेथी दाना और इसे तरकने देंगे। तरकने के बाद हम सभी आलू को पानी से निकाल के इसमें डाल देंगे और इसे भून लेंगे। तो ये हमने 5 मिनट आलू को भून लिया है। आलू भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे सोजन को। सभी सोजन को हमने डाल दिया इसमें और इसे हम भून लेंगे। तो ये हमने सोजन और आलू को भून लिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो हमने डाला है इसमें 1.5 चम्मच के करीब हमने लाल मिर्च डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और जो हमने मसाला पीसा था ना वो वाली मसाला भी डाल देंगे इसमें। और हमने डाल दिया है 2 कटा हुआ टमाटर। अब मसाला को हम अच्छी तरह से भुनेंगे। तो ये हमने मसाला को भून लिया है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें नमक, स्वाद अनुसार हमने नमक डाल दिया इसमें। फिर इसे हम भून लेंगे 2 मिनट के लिए, इसे हम भुनेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स होने देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। उसके बाद हम इसे ढक देंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम पर करके इसे हम आलू जब तक ना पक जाए तब तक पकाएंगे। तो ये हमारा आलू और सोजन अच्छी तरह से पक चुका है फ्रेंड्स। तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा आलू और सोजन की सब्जी बनकर रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बहुत ही आसान तरीका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के रेसिपी के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो।